थैंक्स फॉर क्लिकिंग. आई डॉक्टर दिनेश जैन वेलकम्स यू ऑल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 28 जर्नल्स इन द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मल्टीपल डिसिप्लिनरी जर्नल्स एंड VLSI रिजेंट एंड ऑल्सो द आर्ट एंड ह्यूमनिटीज. सो दीज आर द न्यूली एडेड जर्नल्स इन द स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड टॉप 28 जर्नल. सो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो बी पैसिनेट. एंड आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ सीखने को मिलेंगी जो आपको अभी तक आपने नहीं देखी होंगी. तो आपको सभी जर्नल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्कोपस इंडेक्स जर्नल दैट विल पब्लिश विद इन 30 डेज और लेस देन 30 डेज. अगर आपको लोकल जर्नल्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको फास्ट पब्लिकेशन और चाहिए, आपको लोकल जर्नल चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तो मैं आपको स्पेशली उनके लोकल जर्नल्स के लिए भी रिकमेंड कर दूंगा. बट मैं आई ऑलवेज रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर द बेस्ट जर्नल दैट इज़ द SCI इंडेक्स एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड UGC अप्रूव्ड जर्नल. सो गो फॉर द बेस्ट जर्नल. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट जर्नल नेम इज द साई पब्लिकेशन, द साइंस एंड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द पब्लिशर्स नेम. नाउ दिस इज द जर्नल्स नेम, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन. सो दिस इज द वेरी गुड जर्नल एंड इंडेक्सड इन द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. सो यू कैन चेक हियर, दिस इज द सेमेगो जर्नल एंड 0.16. सो इफ यू वॉन्ट टू चेक दिस जर्नल रैंक, सो यू कैन ऑल्सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर जर्नल लिंक. सो यू कैन ऑल्सो, इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द SGR होम पेज. सो वी विल डिस्कस लेटर. सो फर्स्टली दिस इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर साइंस रिसर्चर एंड IT इंजीनियर्स रिसर्चर्स. सो दोज यू आर कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप, सबमिट योर पेपर. सो दिस इज द इंडेक्सिंग. द पेपर ऑफ दिस जर्नल आर सबमिटेड फॉर टू द बेब ऑफ साइंस स्कोपस. सो दिस इज द बेस्ट जर्नल दैट इज इंक्लूडेड ऑल द रिसर्च पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट इन द बेब ऑफ साइंस. बेब ऑफ साइंस नथिंग बट दिस इज द SCI इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल और स्कोपस जर्नल. सो नाउ वी कैन ऑल्सो चेक, दिस इज द ISSN नंबर. बोथ टाइप्स ऑफ द ISSN नंबर, प्रिंट मीडिया एंड ऑल्सो द ऑनलाइन. तो दोनों कैटेगरीज में ये जर्नल पब्लिश करता है अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को, रिसर्च पेपर को पब्लिश करता है. और इसकी जो पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द मंथली पब्लिकेशन. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दोज हु आर ईगर टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर इन द बेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल, सो दिस इज द बेस्ट जर्नल दैट पब्लिश विद इन ए मंथ. सो दिस इज द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी मंथली एंड बेस्ट जर्नल. सो नाउ वी कैन ऑल्सो चेक द SGR. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर जर्नल SGR. सो वी विल रीडायरेक्टेड टू द SGR सेमेगो जर्नल रैंक. सो दिस इज द ओरिजिनल होम पेज ऑफ द SGR. सो नाउ यू कैन चेक एवरीथिंग. H इंडेक्स इज द 9, द पब्लिशर्स एंड कैटेगरीज एंड कंट्री, एवरीथिंग विल बी देयर. नाउ द सेकेंड जर्नल इज द इंडर साइंस जर्नल पब्लिकेशन. द जर्नल नेम इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड पैटर्न रिकॉग्निशन. सो एज इट्स नेम इंडिकेटिंग, इट इज स्पेशली रिलेटेड टू द पैटर्न रिकॉग्निशन. सो दोज रिसर्चर आर हैविंग देयर रिसर्च एरिया इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टाइटल, सो दैट दे कैन पब्लिश देयर रिसर्च पेपर और मैन्यूस्क्रिप्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जर्नल इज द 4 issues पर ईयर, मीन्स विद इन 3 months आपका पेपर इसमें पब्लिश हो जाएगा, रिसर्च पेपर और मैन्यूस्क्रिप्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी. नाउ वी कैन ऑल्सो चेक द एम एंड स्कोप. फर्स्ट वन इज द फेस रिकॉग्निशन एंड द एनालिसिस, स्पीच रिकॉग्निशन. तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका अगर एरिया इसके अंदर में सूटेबल हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, तो दिस इज द ऑल्सो द गुड जर्नल. नाउ द इंडेक्सिंग वी कैन ऑल्सो, सो दिस इज द क्लेरिवेटिव एनालिटिक्स, मीन्स बेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, SCI इंडेक्स जर्नल, इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स. सो दिस इज द बेस्ट जर्नल टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो कम्स अंडर द UGC अप्रूव्ड जर्नल. सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट जर्नल. और पब्लिकेशन के लिए आपको सेम प्रोसीजर
फॉलो करना है कि आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, देन सबमिट योर रिसर्च पेपर। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर थॉरली चेक कर लें कि आपको जो ऑथर्स गाइडलाइन को आप चेक करें कि उनका जो पैटर्न है, उनका मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपरेशन का जो उनका फॉर्मेट है, आप उनको फॉलो करें। देन यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर और मैन्यूस्क्रिप्ट इन दिस पर्टिकुलर जर्नल। नेक्स्ट वन इज द जर्नल नेम इज द कंप्यूटर साइंस जर्नल ऑफ मॉल्डोवा। सो दिस इज द ऑल्सो द वेरी गुड जर्नल। दिस इज द ब्लादिमिर एंडरसन्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। सो दिस इज द पब्लिशर्स नेम एंड दैट इज पब्लिश्ड बाई दिस पर्टिकुलर एजेंसी एंड दिस इज द जर्नल नेम। सो नाउ यू कैन ऑल्सो सी दिस अबाउट दिस जर्नल पब्लिश्ड सिंस 1993। तो 93 से जर्नल पब्लिश हो रहा है। सिंगल ब्लाइंडेड है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, बहुत अच्छा जर्नल है। एम एंड स्कोप भी इसका पर्टिकुलर रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस डोमेन टू ए वाइड इंटरनेशनल ऑडियंस। सो इट इज़ स्पेशली रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इसके अंदर थोड़ा इसका सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन भी है। सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन CSO, सॉफ्टवेयर थ्योरी ऑफ डेटा ऑटोमेशन कंप्यूटिंग। सो दीज आर द सब्जेक्ट एरिया द ऑन विच इट पब्लिश दिस द मैन्यूस्क्रिप्ट। नाउ द इंटरनल रिव्यू एंड एक्सटर्नल, देर आर टू टाइप्स ऑफ द रिव्यू प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर जर्नल जो ऑलरेडी दे मेंशन्ड। एंड द पब्लिकेशन जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी लैंग्वेज। और पब्लिकेशन चार्जेज यू कैन सी दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। सो देर इज नो पब्लिकेशन चार्ज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दोज यू आर इंटरेस्टेड टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर इन द वेरी गुड जर्नल फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज द वेरी जर्नल। नाउ वी विल कम इन टू द पॉइंट ऑफ द इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग ऑफ दिस जर्नल इज द ESCI क्लेरिबेट एनालिसिस। दिस इज द बेस्ट स्कोपस इंडेक्स। ESCI नथिंग बट दिस इज द SCI इंडेक्स ऑफ वेब ऑफ साइंस इंडेक्स। सो दिस इज ऑल्सो द कम्स अंडर द गुड कैटेगरी ऑफ द जर्नल। नाउ द पब्लिकेशन प्रोसेस और मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन यू कैन डू दैट इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर ऑथर। सो आप ये रीड आउट कर लें और अकॉर्डिंगली आप अपनी रिसर्च पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट को आप रेडी करें। देन यू नीड टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर विद दिस पब्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज द न्यूली एडिट जर्नल इन द स्कोपस इंडेक्स जर्नल। दिस इज ऑल्सो द थर्ड जर्नल ऑफ द स्कोपस इंडेक्स जर्नल दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्कोपस इंडेक्स इन 2020 जून 2020। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल, जर्नल ऑफ ICT स्टैंडर्डाइजेशन। सो एडिटर इन चीफ इज दिस। एंड नाउ द प्रिंट वर्जन एंड द ऑनलाइन वर्जन दोनों कैटेगरीज में जर्नल पब्लिश करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं। इसका पब्लिशिंग स्टार्टिंग सिंस 2013 एंड द ट्राई एनुअल मीन्स विद इन 4 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल। सो यू कैन चेक हियर जर्नल इंडेक्सिंग इन द गूगल स्कॉलर क्रॉस रेफरेंस एंड स्कोपस। सो दिस इज ऑल्सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस जर्नल इफ योर रिसर्च एरिया कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर डोमेन। नेक्स्ट जर्नल नेम दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द रिसर्च एरिया दैट इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल। दिस इज द जर्नल ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस। सो एज इट्स नेम इंडिकेटिंग दिस इज स्पेशली रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस रिसर्चर। तो इसमें जो रिसर्च के इसमें पब्लिकेशन का जो प्रोसीजर रहेगा, आपको अपना लॉग इन आई डी क्रिएट करना रहेगा एज यू कैन सी हियर। सो दिस इज द बटन रजिस्टर बटन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ एंड क्रिएट योर लॉग इन एंड आई डी एंड पासवर्ड। सो देन आफ्टर क्रिएटिंग योर लॉग इन आई डी पासवर्ड जस्ट प्रिपेयर योर मैन्यूस्क्रिप्ट और रिसर्च पेपर अकॉर्डिंग द गाइडलाइंस दैट हैव बीन गिवन इन द इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑथर। सो यू कैन चेक हियर ऑथर गाइडलाइन एंड देन यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर टू द पब्लिकेशन। नाउ अबाउट द जर्नल, सो दिस इज द जर्नल, दिस इज द मेल आई डी ऑफ द एडिटर। इफ अगर आपको कोई भी रिक्वायरी, आपको जो कहीं पर भी डाउट आ रहा है, तो कन्फ्यूजन आ रहा है, तो जस्ट यू कैन नीड टू शूट ए मेल ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आई डी। सो नाउ यू कैन ऑल्सो चेक हियर दिस इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड क्रॉस रेफरेंस जर्नल। सो देर इज नो डाउट इन दिस एरिया बिकॉज दिस इज द न्यूली एडिट जर्नल इन द स्कोपस इंडेक्स डेटा बेस। नाउ इफ यू वॉन्ट टू चेक द अबाउट द जर्नल, सो यू कैन ऑल्सो द फोकस एंड स्कोप। सो यू कैन जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फोकस एंड स्कोप एज इट्स नेम इंडिकेट। पीयर रिव्यूड जर्नल है, ओपन एक्सेस जर्नल है और इंडेक्सिंग भी हैव ऑलरेडी सीन, दिस इज द इंडेक्सिंग। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड जर्नल। सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू
go for this is the best journal. Now next one is the Springer journal. So the its publisher name is the Springer and the journal name is the Acta Informatica. This is the worldwide renowned journal Acta Informatica. This is the A category of the journal in the Scopus Indiae and Babe of Science journal. So you can read out the about this journal and also aim and scope. So you can also just need to click on the aim and scope. तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सो दीज आर द एरियाज अंडर द रिसर्च पेपर पब्लिकेशन. सो दीज आर द काइंड ऑफ द रिसर्च पेपर पब्लिकेशन. तो इतने कैटेगरीज में वो रिसर्च पेपर ये पब्लिश करते हैं. नाउ चेक योर एरिया इफ़ यू कम अंडर दिस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप सो देन यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर. नाउ दिस इज द टाइम लाइन फॉर द एक्चुअली इसका जो टाइम लाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है 3-1-2 आई थिंक विद इन अप्रोक्सीमेटली 1 year approximately. Now you can check all the indexing. This is the very good indexing of this particular journal. So this is the Scopus Index Journal, Science Citation Index. So this is the very good journal. अगर आपके पास उतना time है कि अगर आपने अभी admission लिया PhD registered हुए और आपके पास काफ़ी अच्छा time है तो that I recommend to all of you go for this journal because the this is the A category or A plus category in the Scopus Index and Babe of Science journal. So this is the very good journal. Now next one is the Hindway journal. So this is the publisher name Hindway publication. Now the journal name is the Journal of Electricals and Computer Engineering. As its name indicating, this is the journal specially dedicated to the computer engineering researcher and electrical student. So अगर आपका इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं तो दिस इज द बेस्ट जर्नल. दिस इज ऑल्सो द स्कोपस इंडेक्स जर्नल ऑल्सो एंड ऑथर गाइडलाइन ऑल्सो देयर. सो जस्ट यू नीड टू चेक द ऑथर गाइडलाइन. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज द डेटा बेस एंड इंडेक्सिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस पर्ट ऑफ एनी जर्नल. किसी भी जर्नल की ऑथेंटिसिटी और इंडेक्सिंग चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडेक्सिंग ऑफ दिस जर्नल वी कैन आल्सो चेक दिस एक्सेप्टेंस रेट ऑफ दिस जर्नल 14% ओनली. सो 14% एक्सेप्टेंस रेट है इस पर्टिकुलर जर्नल. सो दिस इज द हाई क्वालिटी जर्नल. एक्सेप्टेंस विद इन 42 डेज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिकेशन. साइट स्कोर 2.9. सो यू कैन चेक आल्सो एंड नाउ आल्सो दिस इज द एपीसी एनुअल पर प्रोसेसिंग चार्ज काइंड ऑफ फीस. सो फुल डेटा सर्विसेज है और इंडेक्सिंग है SCI है. बहुत अच्छी इंडेक्सिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पर एबिस्को EI कॉम्पेंडेक्स. सो बहुत काफ़ी अच्छी इंडेक्सिंग है इसमें. नाउ दिस इज कम साल टू द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. सो दिस इज द गुड जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर एंड द एक्सेप्टेंस रेशियो ओनली 14%. सो दिस दिस रिक्वायर द ओरिजिनल रिसर्च एंड ओरिजिनल कॉन्टेंट ऑफ योर मैन्यूस्क्रिप्ट और रिसर्च पेपर. तो अगर आप फॉर ऑथर दिस इज द ऑथर गाइडलाइन फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन इज द एल्सेवियर जर्नल पब्लिश्ड बाय द एल्सेवियर. दिस इज द जर्नल नेम जर्नल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज. दिस इज द जर्नल नेम. नाउ यू कैन चेक हियर दिस इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस जर्नल एंड दिस इज द साइट स्कोर. इफ यू नीड टू चेक द इंडेक्सिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग. सो दिस इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड ऑल्सो कवर्स द ACM एंड ऑल्सो वेरी गुड जर्नल एंड साइंस साइटेशन इंडेक्स. सो दिस इज ऑल्सो द SCI इंडेक्स जर्नल एंड बेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल. सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट जर्नल बिकॉज द पब्लिशर्स इज द Elsevier. सो दैट्स वाई इट्स नेम इंडिकेटिंग दैट इज द ब्रांडेड जर्नल. नाउ यू कैन चेक द एम एंड स्कोप. So this is especially related to the computer science engineering student or researchers and read more पर आप जाकर देख सकते हैं theory of algorithm. तो इसका पूरा categories है aim and scope. आप यहाँ से subject चूज कर सकते हैं. अगर इन categories में आपकी research area falls करती है तो आप इसके अंदर अपना research paper manuscript पब्लिश कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.129 एंड दिस इज द वेरी गुड इंडेक्सिंग. सो वी हैव ऑलरेडी चेकड आउट. Now next one is the MDPI. This is the computer science and engineering journal. So especially related to the computer science and engineering student or researcher.
एंड द सब्जेक्ट एरिया दैट कम्स अंडर दस दीज आर द वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ AI, ब्लॉकचेन, केस स्टडी, केस बेस्ड रीजनिंग. काफ़ी अच्छी इसकी एम एंड स्कोप है. तो बहुत सारा है इसमें, ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस के सारे एरिया जिन्होंने कवर कर लिए हैं. सो दिस इज ऑल्सो द गुड जर्नल ऑफ द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. सो इम्पैक्ट फैक्टर 1.7. सो दिस इज आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, गो फॉर दिस द बेस्ट जर्नल. दिस इज ऑल्सो द MDPI पब्लिशर्स जर्नल एंड द पब्लिकेशन प्रोसेस द सेम. जस्ट यू नीड टू क्रिएट, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट योर लॉग इन एंड आई डी, जस्ट काइंड ऑफ साइन अप प्रोसेस एंड देन फाइनली प्रिपेयर योर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड देन सबमिट टू द पब्लिकेशन. नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस पब्लिश्ड बाई द एल्सवियर. नाउ दिस इज द इम्पैक्ट फैक्टर एंड दिस इज द साइट स्कोर एंड स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट रिसर्चर्स. सो नाउ वी कैन चेक ऑल्सो द एम एंड स्कोप. सो जस्ट क्लिक ऑन द रीड एंड मोर. सो दीज आर द कैटेगरीज ऑन विच वी कैन पब्लिश देयर रिसर्च पेपर. सो दिस इज द स्पेशली रिलेटेड टू द ऑल कैटेगरीज ऑफ द इंजीनियरिंग. नाउ वी कैन ऑल्सो चेक द इंडेक्सिंग. दिस इज द वेरी गुड इंडेक्सिंग. सो यू कैन चेक हियर, दिस इज द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन इज द BLSI इंडेक्स, BLSI डिजाइन. सो दोज हु आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी. सो दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द BLSI डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पब्लिश बाय दिस हिंडवाई जर्नल. सो दिस इज द पब्लिशर्स. स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स है और काफ़ी अच्छे जर्नल्स हैं और आप इसके बहुत सारे जर्नल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एज पर योर रिसर्च एरिया. एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट. सो दोज हु आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड कम से योर रिसर्च एरिया इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. सो द एक्सेप्टेंस रेट ऑफ द हिंडवी जर्नल यू कैन सी चेक एंड 14% एंड द पब्लिकेशन टाइमिंग ऑल्सो गिवन हियर एंड ऑल्सो द APC. सो दिस इज द पेड जर्नल एंड द Elsevier एंड बोथ कैटेगरीज. इफ यू आर गोइंग फॉर द ओपन एक्सेस जर्नल सो दैट यू नीड टू पे, अदरवाइज यू नीड टू देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पेमेंट. सो दीज आर द कैटेगरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जर्नल्स बाय द हिंडवी पब्लिकेशन. सो इफ यू आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गो फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन स्प्रिंगर जर्नल पब्लिश बाय स्प्रिंगर जर्नल ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम. सो नाउ दिस इज द स्प्रिंगर सिस्टम एंड दिस इज द इंडेक्सिंग. स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड बेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल. सो दिस इज द बेस्ट जर्नल टू ऑल ऑफ यू फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिक दोज हु आर कम्स इन द पर्टिकुलर दिस एम एंड स्कोप. सो यू कैन नाउ ऑल्सो चेक दिस एम एंड स्कोप. सो द सिस्टम डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजीज, SoC डिजाइन, BLSI डिजाइन, एल्गोरिथम, DSP एल्गोरिथम. सो देर आर द सो मैनी एम एंड स्कोप कवर. आई थिंक ऑल द सब्जेक्ट एरिया कवर्ड बाई दिस पर्टिकुलर जर्नल एंड द पब्लिकेशन टाइम इज ऑल्सो द गुड. सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर और मैन्यूस्क्रिप्ट. सो द पब्लिकेशन टाइम इज द 84 डेज, नथिंग टू वरी. सो विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका ये पेपर पब्लिकेशन हो जाएगा एंड फाइनली यू कैन सी. आई थिंक इट टेक्स मोर टाइम, 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ में समथिंग हो जाएगा. एंड देन फाइनली द गाइडलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर सबमिशन, गाइडलाइंस एंड एथिक्स, एंड यू कैन चेक एट योर लेवल पे आल्सो. एंड द ऑथर्स गाइडलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट. सो यू जस्ट क्लिक ऑन द टॉप कॉर्नर राइट. सो दिस इज द माई अकाउंट. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन एंड साइन अप फॉर दिस जर्नल एंड सबमिट योर मैन्यूस्क्रिप्ट एज पर देयर मैन्यूस्क्रिप्ट. नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. दिस इज द ऑल्सो द फास्ट पब्लिकेशन जर्नल, बट आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर द बेस्ट जर्नल. दिस इज द नॉट इंडेक्सिंग इन द स्कोपस जर्नल. दिस इज द लोकल, आई थिंक दिस इज नॉट द स्कोपस इंडेक्स और बेब ऑफ साइंस जर्नल.
सीमेल एंड इंडेक्सिंग इन द क्रॉस रेफरेंस जनरल. सो द इंडेक्स जनरल फीचर्स एम एंड स्कोप्स यू कैन चेक दिस ईयर. इफ यू कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप गो फॉर दिस जर्नल. एंड दिस इज द मंथली पब्लिकेशन जर्नल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बी एल एस आई डिजाइन रिसर्चर. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर द स्कोपस इंडेक्स एंड एस सी आई इंडेक्स जर्नल ओनली. नेक्स्ट वन इज द जर्नल ऑफ ऑपरेशन एंड ऑटोमेशन इन पावर इंजीनियरिंग. सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो दिस इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल. सो दिस इज ऑल्सो द गुड जर्नल फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. सो दिस इज द यू कैन ऑल्सो चेक द इंडेक्सिंग एज पर एज योर लेवल. सो दिस इज ऑल्सो द स्कोपस इंडेक्स जर्नल. सो डोंट वरी फॉर दैट, स्कोपस इंडेक्स जर्नल है और आपका इसमें बहुत अच्छा इसमें इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर रहेगा 0.78 से. दिस इज नथिंग टू वरी. एंड अबाउट द जर्नल यू कैन ऑल्सो ब्राउज द सो मैनी जर्नल एंड दिस इज ऑल्सो द गुड जर्नल टू. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर द स्कोपस जर्नल एज दिस जर्नल. सो जे ओ पी एम्स टू पब्लिश ओरिजिनल एंड हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड पेपर एंड इन इंग्लिश. सो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करता है. देन यू नीड टू क्रिएट योर साइन अप एंड देन फाइनली लॉग इन आई डी क्रिएट करना है. देन फाइनली आपको अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट इसकी ऑथर गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपको क्रिएट करनी है. करंट इशू भी आप देख सकते हैं जो इन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं. देन फाइनली यू नीड टू सबमिट योर मैन्यूस्क्रिप्ट इन दिस थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया. नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन जर्नल पब्लिश बाई द एल्सबियर. सो दिस इज द इम्पैक्ट फैक्टर 1.15 स्पेशली डेडिकेटेड टू द बी एल एस आई डिजाइन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर फैकल्टी मेंबर्स. नाउ द इंडेक्सिंग ऑफ दिस जर्नल यू कैन चेक. दिस इज द स्कोपस इंडेक्स एंड आई एम श्योर एस सी आई इंडेक्स जर्नल. सो स्कोपस एंड एस सी आई इंडेक्स जर्नल. सो दिस आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन इज द स्प्रिंगर जर्नल पब्लिश बाई द स्प्रिंगर. द जर्नल नेम इज द स्ट्रक्चरल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्टिमाइजेशन. सो दिस जर्नल स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल द रिसर्चर दैट कम्स अंडर दीज एरिया एंड दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया. तो दीज आर द मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया. तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी इंजीनियरिंग और साइंस के कैटेगरीज इसमें कवर अप करता है. और पब्लिशर स्प्रिंगर. सो डोंट वरी फॉर द इंडेक्सिंग. सो दिस इज ऑल्सो द गुड जर्नल. इसके इनके बहुत सारे कैटेगरीज में जर्नल हैं, तो आप यहाँ इशूज में देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इशूज हैं. तो स्ट्रक्चरल एंड मल्टीपल. सो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जर्नल्स बहुत सारी कैटेगरीज. तो आप अपने लेवल पे बहुत सारे जर्नल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द टेक्नियम जर्नल. एम एंड स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर मल्टी डिसिप्लिन रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इकोलॉजी एग्रीकल्चर और जियोलॉजी मीन्स ऑलमोस्ट कवर ऑल रिसर्च एरिया. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स हैं. तो इसमें हम सभी लोग सभी कैटेगरीज के रिसर्चर्स फैकल्टी मेंबर अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं. और नाउ यू कैन चेक द इंडेक्सिंग. सो दीज आर द इंडेक्सिंग एंड एम एंड स्कोप. सो फॉर रीडर गाइडलाइन, तो रीडर्स के लिए गाइडलाइन अलग हैं. ऑथर गाइडलाइन, अगर आप अपना रिसर्च पेपर इसमें सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपना ऑथर्स की रिगार्डिंग इसमें एम एंड इसका चेक कर सकते हैं. नाउ एम एंड स्कोप यू कैन ऑल्सो चेक दिस एम एंड स्कोप फॉर दिस जनरल. सो दीज आर द ऑल एम एंड स्कोप वी हैव ऑलरेडी सीन. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एम एंड स्कोप. तो सभी कैटेगरीज को रिसर्च जर्नल कैटेगरी कवर करता है रिसर्च एरियाज को. नाउ नेक्स्ट वन इज द जर्नल ऑफ द एडवांस रिसर्च पब्लिशर बाय एल्सेवियर एंड दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स. सो नाउ वी कैन चेक द एम एंड स्कोप एंड एरियाज. सो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल साइंस डेंटिसिटी फिजिकल वेटरनिटी मेडिसिन. तो इन स्पेशली रिलेटेड टू द दिस काइंड ऑफ
एम एंड इसको सो कवर्स मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस, तो ऑलमोस्ट साइंस कैटेगरी, बायोलॉजी, मॉलिक्यूल, तो मीन्स ऑल एरियाज, रिसर्च के सारे एरियाज को इसने कवर किया. सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट जर्नल टू ऑल ऑफ यू. तो आपको इसमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मल्टीपल डिसिप्लिनरी जितने भी जर्नल्स हैं उनकी एक ब्यूटी और एक उनका एक सिग्निफिकेंस ये है कि आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है कि आपको इसमें पब्लिश कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी का मीनिंग ये है कि इट कवर्स ऑल रिसर्च एरियाज. बट इफ़ यू आर गोइंग टू द स्पेसिफिक डेडिकेटेड टू योर सब्जेक्ट या और रिसर्च एरिया रिलेटेड, देन गो फॉर द स्पेसिफिक डेडिकेटेड टू द पर्टिकुलर जर्नल. सो नाउ वी कैन ऑल्सो इंडेक्स, चेक द इंडेक्सिंग, जस्ट क्लिक ऑन द इंडेक्सिंग पार्ट. सो गो फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल एंड यू कैन चेक द जर्नल इंडेक्सिंग. सो एल्सवियर जर्नल, सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि बिकॉज ये सारे जो जर्नल्स होते हैं एल्सवियर के, स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, मोस्टली हो सारे ही जर्नल्स होते हैं, तो इसमें कहीं कोई आपको हेडेक लेने की कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज द बेस्ट जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन जर्नल इज द पब्लिश्ड बाय द एल्सवियर. नाउ नेक्स्ट, दिस इज द जर्नल नेम अरे. सो दिस इज द कंप्लीटली मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल एनकम्पासिंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द टॉपिक्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंक्लूडिंग AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स. सो स्पेशली डेडिकेटेड टू द पर्टिकुलर दीज एरियाज, कंट्रोल एंड सिग्नलिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा बेस. सो कवर ऑफ द मीडिया, बायो, मेडिकल, तो ऑल एरियाज को इन्होंने जो कोर एरियाज हैं सभी को कवर अप किया इस जर्नल ने. तो काफ़ी अच्छा जर्नल है, पब्लिशर्स भी अच्छा है, और इंडेक्सिंग, अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो नथिंग टू वरी, स्कोपस इंडेक्स जर्नल भी रहे और डोज के साथ, क्योंकि ये ओपन एक्सेस जर्नल है, सो नथिंग टू वरी. सो पब्लिश बाय द एल्सवियर, डोंट वरी फॉर दैट. नाउ नेक्स्ट वन इज द जर्नल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, पब्लिश्ड बाई द स्प्रिंगर. सो दिस इज द स्प्रिंगर जर्नल. नाउ यू कैन चेक द एम एंड स्कोप. सो मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल से तो ऑल कवर अप ऑल द एरिया साइंस इन इंजीनियरिंग, सो देर इज नो वरी फॉर दैट. सो दिस इज द ऑल्सो द मल्टी डिसिप्लिनरी लैंग्वेज जर्नल एंड द पब्लिकेशन टाइम इज द 43 डेज एंड 50 डेज. तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा स्प्रिंगर इसके अंदर. नाउ यू कैन ऑल्सो चेक द इंडेक्सिंग. तो इंडेक्सिंग इज द स्कोपस एंड SCI इंडेक्स. सो दिस इज द बेस्ट जर्नल बिकॉज इट कवर्स बोथ कैटेगरीज ऑफ द जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन इज द एल्सवियर जर्नल, पब्लिश बाय द एल्सवियर. दिस इज द फ्यूचर्स. सो दिस इज द जर्नल नेम फ्यूचर्स. इम्पैक्ट फैक्टर इज द 2.2. दिस इज वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर एंड साइट स्कोर इज द 3.9. नाउ यू कैन चेक द एम एंड स्कोप. सो दिस इज द रिफरीड इंटरनेशनल रिफरीड मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल कंसर्न विद द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कल्चरल एंड सोशल साइंसेज. तो ऑल कैटेगरीज को इसने कवर अप किया है. इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो इंडेक्सिंग की कोई बात नहीं, इसमें काफ़ी अच्छी इंडेक्सिंग रहेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि एल्सवियर का जर्नल है तो वो ऑटोमेटिकली माइंड सेट रहता है कि स्कोपस इंडेक्स तो ऑब्वियस होगा ही होगा. सो स्कोपस इंडेक्स जर्नल एंड देन सोशल साइंस इंडेक्स. सो नथिंग टू वरी अबाउट द इंडेक्सिंग. नेक्स्ट वन इज द IJSRP, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन जर्नल. सो दिस इज द जर्नल फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी और साइंस एंड इंजीनियरिंग सभी के लिए. काफ़ी अच्छा इनका ब्रॉड इंडेक्सिंग भी है और ब्रॉड एम एंड स्कोप भी है. तो आप चेक कर सकते हैं इसके जो एक्सेप्टेड अप टू 10th of July. तो अभी अगर आप सबमिट करेंगे 10th of July तक आपका इंटीमेशन आ जाएगा. देन फाइनल सबमिशन, जो भी आपका करेक्शन होगा, माइनर चेंजेज होंगे आपके रिसर्च पेपर में, देन 26th of July तक उसको रिवाइज कर लेंगे वो. देन फाइनली वो पब्लिश, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो 28th of July तक आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा एंड प्रिंट एडिशन 30th विद इन टू आफ्टर 2 डेज पब्लिश हो जाएगा. मीन्स 30th of July, 28th को ऑनलाइन पब्लिकेशन होगा एंड 30th को इसका प्रिंट वर्जन पब्लिश हो जाएगा. तो इसका जो प्राइजिंग है 3750 इसका इंडियन के लिए, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो आप यूरो में अगर पे करते हैं तो 50 यूरो एंड 55 US डॉलर है. पब्लिकेशन ऑफ जुलाई, सो स्टार्ट फ्रॉम 6th of July. सो दिस इज द पब्लिकेशन
एंड पब्लिकेशन एंड दिस इज़ द रिव्यू रिसर्च पेपर केस स्टडीज इन कैटेगरीज को वो कवर अप करते हैं. नाउ यू कैन आल्सो पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, ऑनलाइन प्रिंट, ऑनलाइन एंड प्रिंट वर्जन दोनों में पब्लिश करता है जर्नल, काफ़ी अच्छा जर्नल है. सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर हैविंग लेस टाइम गो फॉर दिस. अगर आप एज ए फैकल्टी मेम्बर हैं तो ज्वाइन एज ए रिव्यूर पैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको. एंड नाउ दिस इज़ द गुड जर्नल एंड द फास्ट पब्लिकेशन जर्नल. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड जर्नल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी. सो दिस इज़ द जर्नल नेम एंड दिस इज ए पीयर रिव्यूड एंड क्वार्टरली पब्लिश्ड. क्वार्टरली पब्लिश विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा. कैटेगरीज में एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे पेपर इसके अंदर, रिसर्च पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट और एक्सेप्टेड किए जाते हैं. तो डिब्यूटेड टू ए ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग एंड डिस्कसिंग इमर्जिंग डेवलपमेंट. सो यू कैन ऑल्सो चेक ऑल द थिंग्स. एंड दिस इज द एस बी आर स्कोपस इंडेक्स 5th of October 2018. एंड दिस जर्नल इज अंडर रिव्यू प्रोसेस में एस सी इंडेक्स के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है एज पर देयर, एज पर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. सो द जब भी इनका आएगा तब वो उनका एस सी इंडेक्स में उनका कवर अप हो जाएगा. सो दीज आर द गाइडलाइन एब्स्ट्रैक्ट एंड इंडेक्सिंग. वी कैन ऑल्सो चेक स्कोपस इंडेक्स दे आर मैंसनिंग एंड गुड इंडेक्सिंग इन दिस पर्टिकुलर जर्नल. मेक ए सबमिशन, अगर आपको अपना रिसर्च पेपर रेडी है तो आप मेक ए सबमिशन इसे यहाँ से कर सकते हैं. अदरवाइज आप अपना यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, देन अपना साइन अप क्रिएट कर सकते हैं. देन फाइनली यू नीड टू सबमिट योर रिसर्च पेपर. अगर आपको इसकी प्रोसेसिंग चार्ज, इसके फीस देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर चार. सो द फीस इज ईयर यूरो 500 यूरो, वेरी हाई. सो आई रिकमेंड टू गो फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नल एंड एल्सीवियर जर्नल, स्प्रिंगर जर्नल एंड देर आर द सो मैनी अदर जर्नल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू ऑल के गो फॉर द गुड जर्नल, बेस्ट जर्नल, स्कोपस इंडेक्स जर्नल, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, एस सी आई इंडेक्स जर्नल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नल. क्योंकि आपको इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि क्वालिटी, अगर आपका कॉन्टेंट अगर ओरिजिनल है तो नथिंग टू वरी, जस्ट गो फॉर द बेस्ट जर्नल. अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे जर्नल के लिए जाइए. एंड अगर आपके पास बहुत कम टाइम है देन प्रेफर टू लोकल जर्नल. अगर आपको लोकल जर्नल्स में भी अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, तो मैं आपके उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा उस मैटर में. तो लोकल जर्नल की रिक्वायरमेंट या कहीं आपके पास कितना टाइम है आप वो भी अगर मेंशन करेंगे तो मैं उस कैटेगरीज के जर्नल भी स्पेशली आपको काफ़ी अच्छे जर्नल रिकमेंड कर पाऊंगा, सजेस्ट कर पाऊंगा. सो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी क्वेरी आती रहती है, हमें काफ़ी वो प्यार देते हैं. तो मैं उनके इस प्यार के लिए काफ़ी धन्यवाद उनको कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे मुझ पर उस पर्टिकुलर जर्नल और उसके लिए फेथ किया. कि उनको उन्होंने मुझको एक काइंड ऑफ असाइनमेंट भी दिया कि आप मुझे इस चीज़ का जर्नल का रिव्यू करें. तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प आउट कि मैं आपकी रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ आपकी मदद कर पाऊँ. सो अगर आपको ये वीडियो और वो चैनल अगर आपको पसंद आती हो तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. क्योंकि हम ऐसे ही डेली 8 AM मॉर्निंग में हमारा नया वीडियो पब्लिश होता है विद न्यू कंटेंट के साथ में. कुछ नया सीखते हैं हर पर डे, हम कुछ नया सीखते हैं. तो अगर आपको कुछ यूजफुल लगती है, आपकी वैल्यू एडिशन होती है आपकी लाइफ में, आपके एजुकेशन में, आपकी रिसर्च में, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. जिससे आपको हमारा डेली वीडियो, नया जो वीडियो पब्लिश होगा वो आपको उसका इंटीमेशन मिल जाएगा और आपके साथ आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे. सब वीडियो आपके इंटीमेशन में रहेंगे, नोटिफिकेशन में रहेंगे. अगर आपको सब अच्छा लगता है देन सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स, उनकी भी आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें बाय शेयरिंग दिस वीडियो एंड चैनल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.